नमस्कार दोस्तों, याद रखिए कमजोर कोई नहीं होता। हर व्यक्ति में एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, केवल जरूरत होती है तो उसे पहचानने की। इसे मैं इस कहानी के जरिए भी आपको बता सकती हूँ। नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा। उसके साथ ज्ञान का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक कर टूट जाएगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान अंतिम सांस लेने वाला है। जाओ, उनसे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दें। लक्ष्मण गए, रावण से ज्ञान निवेदन किया। रावण ने सुना लेकिन बोले कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस श्री राम के पास आए और बोले, प्राण जाने को है लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। राम ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुमसे मुंह फिराना ही रावण का पहला ज्ञान था? तुम सिरहाने खड़े होकर गुरु से ज्ञान मांग रहे थे। शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में है और उसके सिर पर नहीं। इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के उस सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। उनका जो पहला ज्ञान था वो था शुभस्य शीघ्र। रावण ने लक्ष्मण से कहा, हे लखन, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म वो है जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए। दुष्कर्म जिनमें इन तीनों का अभाव हो। कई बार मुझे विचार आया कि मैं सीता को सहसंबंध लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को टालता रहा। यदि मैंने अपनी आत्मा से उठने वाले सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो मरघट का ये साय साय करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभस्य शीघ्रम, यानी कि शुभ करने का विचार आए तो उसे सोचो नहीं, उसी पल कर दो, उसी क्षण विचार को कार्य में बदल दो, वरना मन अपनी चाल चल देगा और सत्कर्म की वो विद्युत रेखा जो आत्मा से कौंधी है विलुप्त हो जाएगी। दूसरा उनका जो पॉइंट था, कोई कमजोर नहीं है। कौन राम? वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास ना घर है, ना घाट है, ना हाथी, ना घोड़े, ना राज, ना पाठ, वो दशानन का सामना क्या करेगा? दशानन जो इंद्र का सिंहासन जीत चुका है, ऐसे महाअसुर से वो साधारण मानव टकराएगा? असंभव। लेकिन हुआ क्या? असंभव संभव हो गया। वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगा करके सूर्य को अर्ध दे रहा है और इस महाअसुर का सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल की और इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब मैंने जगत पिता से अमृत का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी क्योंकि मैंने मनुष्य को इस लायक ही नहीं समझा। मेरा यही अहंकार मुझे ले डूबा। और तीसरा जो उनका पॉइंट था उस पर गौर करिए दोस्तों, जो राज है उसको राज रहने दो। मैं तुमसे अपने मन का गहरा भेद बांट रहा हूं, लेकिन तुम ये भेद किसी और से न कहना। इससे अधिक हास्यास्पद और कोई बात नहीं हो सकती।
अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा। यही तो भूल हुई मुझसे, मैं अजय था, दुर्जय था, लेकिन ये भेद मेरी नाभि में अमृत है, मैं छिपा नहीं पाया। और इसी भेद के बल पर मेरे ही भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। ये मेरा अंतिम सूत्र है, इसे कभी ना भूलना। तुम्हारा वो भेद जिस पर तुम्हारी प्रतिष्ठा टिकी हो, तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारा जीवन मरण टिका हो, वो स्वयं अपने आप से मत दोहराना। तो दोस्तों, रावण ने जाते जाते 3 सफलता के सूत्र दिए। आप भी उनसे शिक्षा ले सकते हैं, आप भी उनसे आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि वो 3 सूत्र क्या है जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताए। शुभस्य शीघ्र, जो काम, अच्छा काम मन में आए उसे कर डालो। कमजोर कोई नहीं है, किसी को भी कमजोर मत मानो। हो सकता है वो आपसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और तीसरा और आखिरी राज जो उन्होंने लक्ष्मण को दिया कि राज को राज ही रहने दो, यानी कि आपके मन की जो बात है अगर आपने किसी दूसरे को कह दी या आपने अपने आप से ही दोहरा ली तो समझ लीजिए कि वो फिर सारे संसार को पता चल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे सफलता के सूत्र। आज सोमवार की सुबह है, आपका पूरा सप्ताह अच्छा जाएगा अगर आप इन सफलता के 3 सूत्रों को हाथ में लेकर के चलेंगे।